हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज जो डिस्कशन होगा वो होगा एमटीपी नवंबर 2022 सितंबर के लिए जो सेकंड एमटीपी है ना उस पे डिस्कशन होगा। जो फर्स्ट एमटीपी है उसमें सारे ही क्वेश्चंस बुक से है, तो उस एमटीपी पे मैं डिस्कशन ना भी करूं तो चल जाएगा, लेकिन जो सेकंड सीरीज है उसमें कुछ क्वेश्चंस नए हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो वो भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस जो बुक में नहीं है, हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स या रेगुलर बुक्स की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें नहीं है तो मुझे वो क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, जरूरी है। और एक दो क्वेश्चन तो वाकई अच्छे, तो हम लोग स्टार्ट करें। यस, डिस्कशन हो रहा है एमटीपी पे, सारे ही क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। सारे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में है उसमें डिस्कशन करके मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। वो क्वेश्चंस जो हमारी बुक्स में नहीं है, और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन बुक में नहीं है, तो वो क्वेश्चन मुझे डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है सर, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और बिना, जिन लोगों ने क्लास मेरी किया हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हो चाहे वो रेगुलर क्लास है, उसे ये लेक्चर देखना जरूरी है। तो बिना टाइम बर्बाद करें, एमटीपी आपके पास होगा विद सॉल्यूशन, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूं। दूसरा, जो मैंने टेस्ट लिया था उसका सजेस्टेड सभी लोगों को मिल गया होगा, पेपर चेक नहीं किया मैं उस, तो उसका जो सजेस्टेड है वो ग्रुप में डाल दिया था, पर कुछ लोग ग्रुप में नहीं है तो चलो डिस्क्रिप्शन में वो सजेस्टेड भी डाल देता हूँ, जो मैंने टेस्ट लिया था सेकेंड टेस्ट। इसके अलावा एमटीपी वो भी डाल देता हूँ, जिन लोगों के पास नहीं होगा वैसे तो आपके पास होगा ही होगा। तीसरी चीज सर, दो चीजें तो हमें समझ में आई। तीसरा, टेस्ट, अब टेस्ट नहीं होगा, अब टाइम ही नहीं बचा है आपके पास टेस्ट वगैरह देने का, तो अब तैयारी स्टार्ट करो, हमारे पास समय नहीं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी का क्वेश्चन नंबर वन। सर ये एमटीपी जो आईसीएआई ने इश्यू किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट आईसीएआई वाला सेकेंड टेस्ट जो अभी अभी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1A की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1A ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की मैं बात करूंगा, एग्जाम और ये जो भी लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 35, ये किस बुक्स की बात हो रही है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, एग्जाम ओरिएंटेड बुक आपके पास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 35 पे जाइए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसको मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है। पर कुछ बच्चे जो मेरी रेगुलर क्लास ले रखे हैं उन्हें ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन नहीं किया है, ना तो उस बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रखा है उनको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता है, वो आगे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में जरा बात करें। तो बोले मिस्टर मैमन एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ लिस्टेड बॉन्ड इन यूएस, इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज $100 एंड इट इज $103 एट द एंड ऑफ द ईयर, द कूपन रेट है 3% पेबल एनुअली। ठीक है जी, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ होम करेंसी इफ डॉलर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सुनना ध्यान से, सुनोगे बेटे। एक पर्सन है कहां का, इंडिया। ठीक है सर, और वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, यूएस, और यूएस में बॉन्ड्स। आज जब उसने पैसा लगाया यूएस में, तो जो बॉन्ड्स है वो किस में होगा, डॉलर में ही खर्च करना पड़ेगा, तो कितने का डॉलर, सर $100 लगाया। यहां तक ठीक है, एक साल बाद इस बॉन्ड का जो वैल्यू है वो हो गया $103, डॉलर वन ऐसा लिखा, एक साल बाद 103 रुपए, और साथ में लिखा कूपन, और कूपन कितना लिखा है 3% पेबल एनुअली, मतलब $100 का 3% तो कितना $3, तो टोटल $106 वापस आएगा एक साल बाद। लगा कितना रहा है,
$100 वापस कितना आएगा? $106। यहां तो कोई समस्या नहीं है, यहां के हिसाब से बताओ कितने परसेंटेज की इनकम है। अगर डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होता है तो उस हिसाब से 6% की इनकम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 6% कैसा आएगा। दिख रहा है आपका सर, डॉलर 106, डॉलर 100 डिवाइडेड बाय डॉलर 100, तो कितना परसेंट दिख रहा है? 6%। अगर डॉलर में फ्लक्चुएट नहीं होता, मुझे इस परसेंट का रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ होम कंट्रीज करेंसी। सर ये तो डॉलर में रिटर्न बता रहे हो ना आप, हमें तो रुपीज में भी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं पहले यहां क्या रहा, डॉलर में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होता, डॉलर फ्लैट रहता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहता हूं, सुनना ध्यान से बेटे, कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब $1.80 का था, और आज जब मैं ये डॉलर वापस ले जा रहा हूं तब भी $1.80 का ही है। चाहो तो आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल लो, आंसर 6% ही आएगा क्योंकि डॉलर में कुछ चेंज नहीं हो रहा। मतलब सर, मतलब सिंपल सी बात है, सुनना, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डॉलर 100 इंटू 80, ये मैंने लगाया था, डॉलर 106 इंटू 80 ये आया, ये आया, ये सब रुपीज में हो गया, डिवाइडेड बाय डॉलर 100 इंटू 80, आंसर क्या 6% ही आएगा। हाँ ये 80 लिखने का तो सेंस ही नहीं, आंसर 6% ही आएगा। प्रॉब्लम कब होती है? जब ये 6% चाहे यूएस वाला इन्वेस्ट करे तो भी 6%, इंडिया वाला इन्वेस्ट करे तो भी 6%। प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम होगी कि डॉलर के रेट में चेंज होगा, तब दिक्कत है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में आंसर कितना आएगा? आंसर 6% ही है, ठीक है सर। लेकिन सर अगर ऐसा है कि डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है 3% से, इट मींस 80 × 1.03 करो तो एक साल बाद का रेट निकल आएगा 80 × 1.03, तो सर ये आ गया 82.40। तब क्या मेरा आंसर 6% ही आएगा कि कुछ अलग आएगा? कुछ अलग आएगा, क्योंकि जब आप लगा रहे थे तो $100 80 का था, जब आप वापस ला रहे हैं तो $106 हो गया, लेकिन अब वो ₹80 के हिसाब से कन्वर्ट नहीं होगा, अब ये 82.40 के हिसाब से कन्वर्ट होगा। सर ये 80 लाए कहां से आपने? यहां तो कहीं भी नहीं लिखा 80, बट एज्यूम किया, आप कुछ और रेट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं समझाने के लिए। ठीक है सर, ये 6% तो आपका निकल गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी, अब ये 9.18 में दिक्कत है, बस वही समझाने की कोशिश कर। जब लगाए थे तो $100 × 80, जब आएगा 106 × 82.4, तो अब इसको सॉल्व करके देखे, यस मैं यहां क्या कर रहा हूं सर, आप ऐसा कर रहे हो 106 × 82.4 होना चाहिए, अभी ठीक है, हाँ तो अब सॉल्व करें सर 106 × 82.4, तो सर ये आ गया 8734.40 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 8000 × 100 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 8000 × 100, आंसर कितना आ गया 9.18%। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ICAI ने जो सॉल्व कर रखा है उसने तो ये क्या सॉल्व कर रखा है, इसने तो सीधा सीधा ले आया। आप जो सॉल्व कर रहे हो, आप तो $1 = 80 मान के, मैं ICAI के हिसाब से भी करवा देता हूं, सुनना ध्यान से, उन्होंने कैसे किया, अब उनकी बात कर। उन्होंने कहा है सर हमने लगाया था 100, ठीक, और 6% का रिटर्न तो आ ही रहा है, मतलब 106 × 80, सर 80 कहां, ये तो बढ़ रहा है ना, यस, कितने परसेंट से? 3% से × 1.03। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली 106 × 82.4 वही तो हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में है। आगे क्या करना है? माइनस $100 × 80
डिवाइडेड बाय $100 इंटू 80, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करो, ये सब कट जाएगा, 100-100 यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, आप मैथ्स देख लेना। अल्टीमेटली जो बचेगा ना वो ये बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो सर 1.06 इंटू 1.03 माइनस 1, यस, और फिर इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में आंसर 9.18% ही आएगा। मैं आपसे एक सिंपल सी लैंग्वेज, मुझे ये मैथ में नहीं पढ़ना है, मैं यार 6% तो कमाओगे कमाओगे, और डॉलर के अप्रिशिएट होने से और 3% कमाओगे, 6% तो 6 और 3 9% होना चाहिए ना। पर मेरे ख्याल से फैक्टर इनटू फैक्टर वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, 1.06 आप जो 3% का फायदा हो रहा है ना वो प्रिंसिपल पे भी हो रहा है और इंटरेस्ट पे भी हो रहा है, बस ये बात समझना है। तो 1.06 इंटू 1.03 माइनस 1 करके सीधा सीधा आंसर निकल, वही ICAI ने किया, उन्होंने कहा इतना घुमाकर नहीं कर रहे हम, 1.06 इंटू 1.03 माइनस 1 करके फैक्टर इंटू फैक्टर करके 9.18%। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फैक्टर इंटू फैक्टर हो जाएगा, ठीक है सर, बात समझ में आती है। इट मीन्स ये भी बात समझ में आती है, इट मीन्स सीधा 1.06 किया और कितने से डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर के एवरेज को देखो, मेरी बात समझ, जो आने वाला है डॉलर आने वाला, और डॉलर बढ़ रहा तो हमारा फायदा है ना भाई, तो डॉलर के आने से हमें फायदा है कितने परसेंट का, 3%, ठीक है सर। अगर सर डॉलर डेप्रिशिएट हो जाता है तो कुछ नहीं, फैक्टर इंटू डेप्रिशिएट कितने परसेंट से हो रहा, 3% से, तो इंटू 0.97 कर देना, बाकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस एक समस्या है, और समस्या कौन सा है, लास्ट वाला, लास्ट वाला बिल्कुल ध्यान दोगे बच्चे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दोगे लास्ट वाले पॉइंट में, लास्ट वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना, अच्छे से समझाना लास्ट वाला पॉइंट, फोकस करना सर। ये समझ में आता, ये भी आता, ये भी, ये क्या है, यहां तो सर रुपया एप्रिशिएट हो रहा 5% से, सुनना ध्यान से, आखिरी बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना, रुपीस पर डॉलर है 80 रुपए, ठीक। अगर मैं कहता हूं डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है 5% से, तो सर 80 × 1.05 क्योंकि डॉलर का ही रेट दिया है। अगर मैं कहता हूं कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है 5% से, 80 × होगा 0.95, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक। अगर मैं कहता हूं, आप ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं रुपया एप्रिशिएट होगा, रुपया एप्रिशिएट होगा कितने परसेंट से, 5% से। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि रेट किसका दिया, एप्रिशिएट मतलब 1.05, पर रेट किसका दिया है, डॉलर का। तो सर हम ऐसे करते थे, डिवाइड कर देते थे 1.0, ऐसा करते थे, ऐसा करना नहीं है, लॉजिकली यही है। पर सुनो सुनो सुनो, रेट किसका दिया है, डॉलर का, रुपया बढ़ रहा है तो हम डिवाइड कर देते थे 1.05 से, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां समझना, ICAI क्या कर रहा, गलत है पर सुनना पड़ेगा, क्या कर रहा है, वो कह रहा है भाई ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, रुपया एप्रिशिएट हो रहा है मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बोले 80 × 0.95 कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, रुपया एप्रिशिएट होना मतलब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा, और डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है इंटू 0.9, मतलब रुपया सर 5% से बढ़ेगा तो डॉलर क्या 5% से गिरेगा, गलत है। पर हाँ, रुपया पांच, रुपया जितने परसेंट से बढ़ेगा डॉलर उतने ही परसेंट से कम होगा, ये ICAI का मानना है। आज के बाद सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, पर ऐसे ही करने पड़े। अच्छा सर, अगर 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 आखिरी बात, अगर ऐसा होता रुपया बढ़ता 5%, रुपया गिरता 5% से, गिरता कितने से, 5% से, तो सोचो डॉलर बढ़ता कितने परसेंट से, 5% से, तो 80 × 1.05 करना, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सर आपने तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ और, मैंने समझाया था कुछ और, मैंने लॉजिक के साथ समझाया था, लॉजिक नहीं चलता, इंस्टीट्यूट जो करेगा हम भी वही करेंगे।
बस यहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, उन लोगों का कहना था आईसीएआई ने गलत किया, आईसीएआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, सब छोड़ दो भाई, जो किया उसी को फाइनल मान ले। सर इस क्वेश्चन में कि सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ क्या हो रहा, बस यहाँ सोच रहा हूँ, रुपया एप्रिशिएट हो रहा है 5% से, पर रेट किसका दिया, रेट डॉलर का, रुपया डॉलर के विषय में ही सोचना है होगा ना यहाँ। सर रुपया एप्रिशिएट मतलब डॉलर डेप्रिशिएट तो (0.95) किया होगा, और आंसर निकालते हैं। इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों के फोन आए हैं कि सर इंस्टीट्यूट ने ये क्या किया, ये तो डिवाइड होना चाहिए, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, जो इंस्टीट्यूट ने किया वही करोगे, मेरा लॉजिक काम नहीं आएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन किया था एग्जाम ओरिएंटेड में, उसमें भी मैंने यही बात बोला है, एग्जाम ओरिएंटेड में भी यही बात बोला कोई, पर जब रेगुलर क्लास की बात थी उस समय मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। प्लीज आप जिन जो जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास कर रखा होगा उस समय मैंने ये बोला होगा कि यार 5% से रुपया बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉलर 5% से गिरेगा, इसका मतलब ये नहीं होता, पर हाँ जी होता है ऐसे ही करके। चले आगे, ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में पर जरूरी था समझा। क्वेश्चन नंबर 1B पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे रेगुलर क्लास में भी है, ये मेरे एग्जाम ओरिएंटेड में भी है, स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड वाले बच्चे ध्यान देंगे। ये आपको मिलेगा कौन सा टॉपिक है, ये सर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला है, उसमें जाओगे उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 12, वहां मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुका है डिटेल में, तो प्लीज मैं आपका टाइम वैसे भी खराब नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन वहां देख लोगे। आगे चल रहा हूं, ये था 1B। बड़ा क्वेश्चन था ये इंटरनेशनल फाइनेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A भी कहां से है, तो बुक से ही है, स्टडी मटेरियल, या फिर मैं अपने बुक की बात करूं तो रेगुलर स्टूडेंट जो है मेरे रेगुलर क्लासेस में भी कवर्ड है, कोई चेंजेस नहीं है। और जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की में जिन्होंने मेरे से एग्जाम ओरिएंटेड ले रखा है उनके क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 49 में क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन से टॉपिक में मिलेगा, ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मैंने डिस्कस किया, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जाकर चेक करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें भी ये ऑलरेडी आपका किया हुआ क्वेश्चन, तो इस पे मैं क्यों बेकार में आपका समय बर्बाद कर। क्वेश्चन नंबर 2B कहां का क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में कहां का है, बीएसएम। और क्या ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, यस। और हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बुक में क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 53 में मिलेगा ये, लेकिन इस पे मुझे कुछ चर्चा करना है, सिंपल सी बात। बीएसएम का क्वेश्चन हर बार दिखता है, पर आरटीपी में भी डालता है एमपी, पर बहुत कई सालों से एग्जाम में बीएसएम का क्वेश्चन नहीं आया। उसकी वजह है इसमें बड़ी सारी टेबल लगती है, टेबल की जरूरत पड़ती है, और टेबल देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है इंस्टीट्यूट को, तो वो देता ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात है कि आपको टेबल का जिस 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 चीज की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो सारी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा। हम और इम्पॉर्टेंट है जेड टेबल, और मैं बार बार आपसे बोलता था कि जेड टेबल में बीएसएम में कौन सा वाला एरिया देखना है, टेल एरिया कि क्यूमुलेटिव एरिया, क्यूमुलेटिव एरिया बात किया था, और हमेशा हमको टेल एरिया दिया रहता था टेबल में, तो उससे हम क्यूमुलेटिव एरिया ढूंढ लेते थे। इस क्वेश्चन में खास बात है आपको क्यूमुलेटिव एरिया ही दिया है, जो चाहिए वही दिया है, तो प्लीज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ टेबल में याद रखना वन में से माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव एरिया ही दिया है टेबल में। एक बार जल्दी से मैं रीड करता हूँ, शेयर है TIC लिमिटेड, ठीक है, प्राइस सब दिया, ये सब समझ जाओगे आप, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं टेबल पर फोकस करूंगा। देखो बीएसएम का ये इक्वेशन आपको पता है, D1 निकालना होता है, D2 निकालना होता है। D1 का फॉर्मूला आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, LN 415/400। अगर मैं 415/400 करता हूँ, 415/400, तो ये आ गया 1.0375। इसका नेचुरल लॉग चाहिए, क्या हम कैलकुलेटर से निकल सकते थे, हाँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है और ये दिया है 0.03681, टेंशन खत्म। अल्टरनेटिव हम कैलकुलेट
कैलकुलेटर से निकाल लेते थे, पर दिया है तो सीधा यही उठाकर लिख दिया, ठीक है, नेचुरल लॉग का वैल्यू दिया हुआ था। दूसरी बात, डी टू निकालते हैं, डी टू का है 0.3933, तो अब इसको ये क्या निकला डी वन, अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा एनडी वन, और एनडी वन के लिए हमें जेड टेबल में ढूंढना पड़ेगा, और एरिया कौन सा वाला होता है, एरिया एक्यूमुलेटिव एरिया ढूंढना पड़ता था हम लोगों को, और क्या यही वाला एक्यूमुलेटिव टेबल दे रखा है, यस, तो ढूंढोगे 0.5033, तो चेक करो 0.5033 के सामने वैल्यू क्या दिया 0.69, यही वाला दे दिया 0.69 6926, ठीक है जी, तो बस एक बात है, वन में से माइनस मत कर देना, गलती मत करना, आपको जो एरिया दिया वो कौन सा एरिया दिया है, क्यूमुलेटिव एरिया दिया है, बताएं, और इसका भी देखोगे किसकी बात हो गई, ये तो निकल 3933, चेक करो 3933 कहां है, 3933 ये है सर 39, तो क्या आ जाएगा 6530, सीधा उठाकर लिखना है, यही किया है इन्होंने, सीधा उठाकर लिख दिया, सर इसको मल्टीप्लाई करने से इसको आया 0.0125, इसका भी वैल्यू दिया है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, अल्टरनेटिव हम कैलकुलेटर से करते हैं, पर इसका वैल्यू दे रखा है 1.01, सबका वैल्यू दिया हुआ, उठाना है, पुट करना है, मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना, बस इतनी सी बात बची थी, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात क्या थी, समझाने वाली बात बस इतनी थी कि वो जो जेड टेबल दिया है वो क्यूमुलेटिव एरिया दिया हुआ है, आप वन में से माइनस मत करना, क्योंकि बीएसएन में हमें क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए था, वन साइड एरिया नहीं चाहिए था, ठीक है, मंटेल नहीं चाहिए था, बस इसके बाद तो इसमें कुछ है नहीं है, इसके बाद सब आपको आता है, ठीक है सर, ये सब का 10 रुपए जो डिविडेंड है आपको एडजस्टेड प्राइस निकालना पड़ता था, ये मैंने आपको बताया कि अगर डिविडेंड दिया है बीएसएम में तो क्या करना है करके, तो प्लीज बीएसएम जनरली बच्चे छोड़ देते, पर प्लीज ये क्वेश्चन देख के चले जाना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है बीएसएम पूछ ले, प्लीज एक बार देख लेना बीएसएम का, और ये क्वेश्चन में सब वैल्यू दिया है, कुछ पीछे पलटाना नहीं है, उठाना है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही सब सारी वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, तो उठाना आंसर निकाल खत्म। चले जी आगे, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, हालांकि रेपो रेट, डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस सब आपको पता है, पर ये क्वेश्चन अच्छा, कुछ नई बात है, तो इसलिए इसको करना जरूरी है इस क्वेश्चन। इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको, पढ़े जी क्या क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन 3A की बात कर रहा हूं सर, एग्जाम ओरिएंटेड बुक में नहीं है, रेगुलर बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं डला हुआ है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन डला हुआ था जिसमें फर्स्ट लेग और सेकंड लेग मैंने पूछा था, पर ये क्वेश्चन नहीं डला एक्चुअल में, तो इसको समझना जरूरी है क्या लिखा था, बैंक बी के, एक बैंक है इसका नाम है बीक, एंटर इनटू अ रेपो फॉर 9 डेज विद अ बैंक एनी, बैंक एनी इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2022 फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2 crores, द अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोस, और ये रेलिवेंट डिटेल्स सर है क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन सुनना ध्यान से, है क्या भाई साहब, इसको पैसों की जरूरत है, किसको, बैंक बी के को, तो जब इससे पैसे लेना होता है ना, तो बदले में ये बैंक कुछ सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटीज वो इसको दे देती है, और ये बोल के देती है कि बाद में हम आपसे वापस परचेस कर लेंगे, इट मीन सर क्या क्या है एक्चुअल में, इसको चाहिए लोन, लोन तो बदले में क्या देना पड़ेगा, बदले में ये सिक्योरिटी बेच देगा और फिर वापस ले लेगा, और सिक्योरिटी क्या है, बॉन्ड्स, बस और कुछ नहीं है सर, ये वापस कब खरीदेगा, जब ये लोन का रीपेमेंट कर देगा, ये हो गया लोन, कुछ नहीं है ये सर, ये टाइम पास है, बॉन्ड्स देंगे और बॉन्ड्स वापस रीपर्चेस कर लेंगे, बॉन्ड्स देकर बॉन्ड्स वापस, और यहां क्या हो जाएगा, यहां लोन का रीपेमेंट हो जाएगा, ठीक, जब लोन ले रहे हो तो इसको लेग बोलते, इसको बोलेंगे फर्स्ट लेग
स्वैप जैसा है, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड लैग। तो सर ये क्या, कुछ नहीं, सिक्योरिटी के तौर पे मैंने बेचा, बेचा बॉन्ड्स और फिर वापस कर लिया। वापस कब खरीदूंगा, जब लोन का रिपेमेंट करूंगा, इतनी सी बात है। ठीक है सर, तो सर कितने रुपए का लोन है? सर ये लोन है 200000 6750। और जब वापस आओ, कितने दिनों के लिए लोन है? सिर्फ 9 दिनों के लिए चाहिए हमें, सिर्फ 9 डेज के लिए। जब रिपेमेंट करोगे तो रिपेमेंट कितना करोगे? 200000 317 59। यहां तक ठीक है। रेपो रेट चाहिए। रेपो रेट का मतलब, जब हमने लोन लिया था 9 दिनों के लिए तो लिया था 200000 6750। जब वापस कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं 200000 317 59। तो बता सकते हो इंटरेस्ट का अमाउंट? हाँ सर। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो? यस सर, 9 दिन का बता देंगे। क्या पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो? यस, उसी को वो रेपो रेट बोल रहे हैं। निकाले एक बार क्या? यस। कैसे निकाल रहे हैं? इसने भी निकाला, मैं किसी दूसरे तरीके से निकाल। सर हमने वापस किया 200000 317 59। हमने लिया था 200000 6750। लिया था 200000 6750 इंटू 100 कर लो। जो भी निकलेगा वो कितने दिनों का निकलेगा? सर 9 डेज का। तो एक साल में कितना दिन ले लेना? 360/9, 365 भी ले सकते हो। इंस्टीट्यूट ने 360 लिया। एक बार देखें, 200000 317 59 200000 6750 / 200000 6750 × 100 × 360/9। आंसर आ रहा 5%। और इन्होंने भी निकाला है 5%, तो कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं। इट मीन सर ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी वही किया है। ये क्या है? विथ इंटरेस्ट, दिस वन प्लस फैक्टर, आंसर वही आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या की? सर यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये जो पूछना रहा है ना, डर्टी प्राइस, ये एक समस्या है कि ये क्या, कैसे निकाला है। बस ये समझाने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है डर्टी प्राइस। आप सुना जानसर सर यहां पे आते, जब हम लोन लेते हैं दूसरी बैंक से और जो बॉन्ड्स देते हैं तो वो बॉन्ड्स इतने ही रुपए के रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जितने रुपए का बॉन्ड्स रहता है, जितने रुपए का बॉन्ड्स रहता है, देखो देखो ध्यान से समझना। जब मैं लोन ले रहा हूं तो बदले में बॉन्ड्स बेच रहा हूं, तो सर मुझे बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बॉन्ड का वैल्यू है, जो भी मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं, जो भी मैं क्या नाम है इसका 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रहा हूं, उसका वैल्यू इतना ही है क्या? नहीं, उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा। ये जो आता है ये तो मार्जिन कटने के बाद आता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ मार्जिन, बात समझ में होता है ना यार। मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं तो जितना मैंने सिक्योरिटी, जितना वैल्यू क्या, उतना ही है, मुझे लोन मिल जाता? नहीं, मार्जिन कट के मिलता है। इट मीन्स बॉन्ड्स का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रहता है और जो पैसा आपको मिलता ना वो कम मिलता है। देखो यहाँ मार्जिन कितना दिया है, 1.25%। तो ये जो मिल रहा है ना, ये जो लोन है, बॉन्ड का वैल्यू इतना नहीं है, इससे ज्यादा है। बस समझ में आ रही? अच्छा, तो ये 1.25% कट के मिला है। यस, यही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, तो कितना है एक्चुअल में बॉन्ड्स का वैल्यू? मैं ऐसे कर सकता हूँ, 200000 6750 / 1.25% हटा दो, 100 - 1.25। सर मतलब ये है 98.75%। यस, मार्जिन, इनिशियल मार्जिन कट के मिला है मुझे लोन। तो सर 200000 6750 / 98.75%। तो सर बॉन्ड का जो एक्चुअल में वैल्यू है वह 2026 30,000। ये है एक्चुअल वैल्यू। यह इस सिक्योरिटी का, इस बॉन्ड का एक्चुअल वैल्यू ये है और मुझे मिला है इतना।
2000006 ऑन फ्री बताने का क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है ना भाई, वही समझाने की कोशिश करो। यहां तक ठीक है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात करने वाला। जब बॉन्ड्स इश्यू हुआ था तो कितने का इश्यू हुआ था? जब भी बॉन्ड्स इश्यू हुआ तो चेक करो, 2 करोड़ का इश्यू हुआ था। कब हुआ था मुझे नहीं मालूम। ठीक है सर, जब बॉन्ड इश्यू हो रहा 2 करोड़ का मतलब 200 लाख, और बॉन्ड का कुछ ना दिया हो तो फेस वैल्यू कितना एज्यूम कर लेते हैं, 100, तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो 200 लाख डिवाइडेड 2 लाख, तो सर कितने बॉन्ड्स इश्यू हो गए के? 2 लाख बॉन्ड्स इश्यू हो गए। ठीक है, ठीक है सर। बॉन्ड्स का रेट कितना है? बॉन्ड्स का रेट है 6% बॉन्ड्स, 2 लाख बॉन्ड्स इश्यू है। और अभी कितने दिन हो चुके उन बॉन्ड्स को? अभी टोटल मिलाकर 240 दिन हो चुके, और 240 दिन बाद बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड्स की वैल्यू 240 दिन हो चुके हैं, तो बताओ बॉन्ड की वैल्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितनी है, तो वो मैं बता सकता। और वो वैल्यू मुझे ये वाली नहीं लेना, ये तो लोन का अमाउंट है, मुझे ये वाली लेना 2026 चार बार 2026 ये है एक्चुअल में, तो प्राइस बता सकते। ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के बॉन्ड का वैल्यू बढ़ा, तो क्यों बढ़ा? इंटरेस्ट की वजह से। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 लाख, तो बॉन्ड्स का प्राइस बता सकते हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? यस सर, 2026 40 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो सर ये आ गए रुपीज 101.30। ये क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूड है? इसको बोला जाता है डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस का मतलब, डर्टी प्राइस का मतलब है सर इंटरेस्ट वगैरह, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बॉन्ड्स का इंटरेस्ट, और कितने दिनों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? 240 दिनों का। अगर उस 240 दिन का इंटरेस्ट हटा दो तो जो आएगा उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं? क्लीन प्राइस। मान लो 101.30 में से मैं माइनस कर दूं 100 रुपए, फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, 100 रुपए का बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना? 6% इंटू कितने? 240 डिवाइडेड बाय 360। ये इंटरेस्ट मैं माइनस कर देता हूं तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लीन प्राइस। 100 × 6% इंटू 240 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 101.30, तो ये जो आया 97.30, इसको बोला जाता है क्लीन प्राइस। सर डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हाँ बॉन्ड वैल्यूएशन में पढ़ा हुआ है, पर ये निकालने में थोड़ी सी समस्या हो सकती थी आपको, इसलिए मैंने ये समझाया कि ये कैसे निकला। सर तो ICAI ने क्या किया? ICAI ने भी वही किया, उसने इधर लिखा है, इधर देखो डिबास में उन्होंने ये फॉर्मूला इधर लिखा है 97.5% 97.5 नहीं 98.5 नहीं सॉरी इसको ठीक से लिख, यहां लिखा है 98.75%, इसको मैं हटा दूं तो यही मतलब हो गया। अब इसको अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, 98.75% वही तो मैंने किया है, 2000067 डिवाइडेड बाय 98.75%, ठीक है, ठीक है। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और इनटू एक्स को ले लो डर्टी प्राइस, तो दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो डर्टी प्राइस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर फॉर्मूले पे जाना चाहते तो फॉर्मूला कैसे बना मैंने ये समझा दिया, लॉजिक मैंने यहां डिस्कशन किया, और डर्टी प्राइस निकल गई तो क्लीन प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। ये डर्टी प्राइस, ये क्लीन प्राइस कैसे निकलते हैं? सर क्लीन प्राइस सिंपल है, क्लीन प्राइस में इंटरेस्ट प्लस होता तो इंटरेस्ट माइनस हुआ है और क्लीन प्राइस आ गया। तो क्या ये बिल्कुल सिंपल है? यस, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, पर क्वेश्चन अच्छा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं, जान लेने का क्वेश्चन। तो जिन्होंने मेरी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास कर रखा है या रेगुलर दोनों में ये क्वेश्चन नहीं है तो उन्हें ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एमटीपी में डला हुआ तो प्लीज देख लीजिएगा। चले जी आगे,
ये क्वेश्चन है राइट स्टेयर्स का, अच्छा क्वेश्चन है ये भी सर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है क्या? ये भी क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ना तो एग्जाम किसी के, ना तो ऐसे में ना पीएम में ही पहला क्वेश्चन है। हालांकि राइट स्टेयर्स का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देखें क्या है। यस देखो, एग्रेसिव लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू फंड इस एक्सपांशन प्लान ऑफ 12 करोड़ बाय अ राइट इशू। 12 करोड़, 1 करोड़ मतलब 1200 लाख, 12 करोड़ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 12 करोड़ रुपए की जरूरत है और किसके थ्रू? करंट मार्केट प्राइस कितना है? 40, ठीक है, 40, यहां भी कोई समस्या नहीं। द बोर्ड इज विलिंग टू ऑफर अ डिस्काउंट 20% ऑन द करंट मार्केट प्राइस फॉर द राइट इश्यू। कोई शक की बात नहीं है यार, राइट इश्यू करेंगे तो जो आज का प्राइस है उससे कम में ही राइट दिया जाएगा शेयर होल्डर, तभी वो राइट शेयर्स खरीदेंगे, नहीं तो क्यों खरीदेंगे। और इन्होंने कहा कि हम जो राइट प्राइस रखेंगे, राइट या ऑफर प्राइस भी बोल सकते हैं, ऑफर प्राइस, वो ऑफर प्राइस कितना रखेंगे? 20% डिस्काउंट, तो 40 का 80% कर लो सर, 32 रखेंगे, ये भी ठीक है। इट मीन्स आज का प्राइस कितना है? 40, लेकिन हम अपने राइट शेयर्स, जो राइट शेयर होल्डर है, राइट जब जो राइट शेयर्स बेचेंगे ना, वो 40 में नहीं बेचेंगे, हम 32 में बेचेंगे, ठीक है, ऑफर प्राइस हो गए। द बोर्ड इज आल्सो डिजायर्स दैट फॉल इन एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर बी 10%। बोले जो एक्स राइट प्राइस निकलता है, थ्योरेटिकल मतलब राइट के बाद का प्राइस, एक्स राइट प्राइस निकालना आता है ना आपको, यस, वो बोले करंट मार्केट प्राइस से सिर्फ 10% डाउन होना चाहिए, मतलब 40 × 90%, तो वो जो एक्स राइट प्राइस है, एक्स राइट प्राइस वो ₹36 रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, बोल रहे, ठीक। पूछ क्या रहा है भाई? द नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी ऑफर्ड फॉर ईच राइट है सर, क्या वो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स पूछ रहा है? अगर वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स पूछता तो आसान हो जाता आंसर, दिख रहा है आपको। कितने रुपए की जरूरत है? 12 लाख। कितना ऑफर प्राइस है? 32, तो नंबर ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स तो निकल ही सकता है, 1200 लाख, 1200 लाख डिवाइडेड बाय 32, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो दिख गया, 3,75,00,000। इतना के 3,75,00,000। अगर वो पूछता सिर्फ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू ऑफर्ड फॉर ईच राइट, हर एक शेयर के लिए हमें कितने न्यू शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो सर फिर इसके लिए तो हमको पहले के शेयर्स पता होना, पहले के शेयर्स दिया नहीं। अगर पहले के शेयर्स पता लगता कि पहले 75 लाख शेयर्स है और इश्यू कर रहा है 3,75,00,000, तो हम उस हिसाब से कर ही लेते, कैसे ना कैसे, पर पहले के नंबर ऑफ शेयर्स हमको नहीं पता। न्यू शेयर्स कितने इश्यू हो गए ये हमको पता, पर वो ये कुछ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एक शेयर के बदले में कितने शेयर्स, राइट शेयर्स हो गए। तो फिर एक ही तरीका बच्चा, वो है एक्स राइट प्राइस, और एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते थे ये आपको पता होना चाहिए सर। एक्स राइट प्राइस निकालने के दो तरीके थे, पहले के नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो पहले के नंबर ऑफ शेयर्स होते 4 लाख, अगर मैं इसमें क्या क्वेश्चन में मैं नहीं जानता, अगर होता कि हम 1 लाख 4 लाख शेयर्स पहले से है या 5 लाख शेयर्स पहले से है, तो हम बोलते 5 लाख शेयर्स पहले से है उसको हम करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते, और बदले में हम 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते कितने रुपए में, ऑफर प्राइस 32, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते, 5 लाख,
इस तरह से निकालते थे और यहां जो आता था उसको बोलते थे हम एक्स राइट प्राइस। ओके, अल्टरनेटिव हम क्या करते थे, हम क्या कहते थे, इसके अपेक्षा हम ऐसे भी कर सकते थे कि पांच के बदले में एक, तो हम बोले टोटल ना लेके पांच, पांच इंटू चालीस प्लस एक इंटू बत्तीस डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां 6 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो यहां जाता एक्स राइट प्राइस। या तो हम टोटल में ले लेते या पांच के बदले में एक शेयर पैसा ले लेते, कुछ ना कुछ तो करते। इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो क्या, यहां कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सर हमें करंट मार्केट प्राइस पता है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पता, हमें ऑफर प्राइस भी पता है, ठीक है, तो देख ले क्या क्या पता है हमें। सर हमें ये पता है, ये पता है, हमें ये भी पता है, तो एक काम करते ना, एक के बदले में कितना, यहां पॉइंट में आएगा तो भी चल जाएगा, अगर मैं यहां एक लिखूं तो यहां 0.5 आ जाएगा तो भी चल जाएगा, तो भी आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन, एक के बदले में कितना, बस मैं निकल, अगर किसी के पास एक शेयर है, सुनना ध्यान से, अगर किसी के पास पांच शेयर है तो उसको एक मिलेगा, तो जिसके पास एक शेयर है उसको 0.25 मिलेगा, तो बस वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। इट मींस अब इक्वेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से, क्या मुझे एक्स राइट प्राइस पता है, हाँ, कितना 36, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं 36, पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कितना मान लो एक, और प्राइस कितना है 40, बदले में कितने शेयर्स देना है ये नहीं मालूम, रेशो तो निकल सकता है, इनटू कितने ऑफर प्राइस कितना 32 डिवाइडेड बाय 1 पहले से है और एक्स, सिंपल वही तो किया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया, रेशो भर बना रहा हूं, एक के बदले में कितना, और इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, 36 प्लस 36x 40 प्लस 32x, इसको सॉल्व करोगे तो यहां 4 4 तो 1, एक के बदले में एक शेयर, ये अच्छा इक्वेशन, ये यही वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, राइट, बाकी तो ठीक है, उस हिसाब से आ जाएगा, ये आंसर दिया हुआ है इसमें, आंसर कितना आ गया, एक के बदले में एक। दूसरा क्या पूछा था, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, ये तो आपको आता है यार, राइट से पहले थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, 36 और 32, 36 क्या है एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस और 32 क्या है ऑफर प्राइस, और भी दूसरा तरीका, राइट से पहले मार्केट प्राइस कितना था 40 और राइट के बाद प्राइस क्या हो जाएगा 36, ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, समझ रहे हो ना, राइट से पहले, इसमें राइट था, इसमें राइट खत्म हो चुका है, तो ये वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया 4 रुपए। मैंने दोनों तीन तरीके समझाए, मुझे इस मैटर पे बात ही नहीं करनी आपसे, ये आपको पता है, और नंबर ऑफ शेयर तो ये ऑलरेडी मैं निकाल कर बता चुका हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट था वो ये इक्वेशन था, बस और कुछ नहीं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, देख कर जाना, ये क्वेश्चन भी नया है बिल्कुल। चले आगे, अब बात आती है, दो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के, और दोनों क्वेश्चन में बैक कैलकुलेशन है, दोनों क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन से बना, इट मींस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं है, किया हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन था, बड़ा सा, उसमें लास्ट वाला पार्ट था बोनस वाला, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, पर यही क्वेश्चन किया मैं ये नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसको डिस्कशन करूंगा, ठीक है जी, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 3B, सर ये क्वेश्चन आपकी बुक में है क्या, नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का है पर ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा है कि, ठीक है सर, देख ले एक बार। और म्यूचुअल फंड का आता ना तो मैं हमेशा डायग्राम बना के चलता हूं, देखते हैं क्या लिखा, लिखा मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड एएमसी हैज floated a dividend bonus plan on 1st April 2016. 1st April 2016.
एट ए सर्टन नेट एनएवी, ठीक है, एनएवी पे खरीदा होगा जो भी होगा, द फंड हैज रोबस्ट ग्रोथ, जबरदस्त ग्रोथ है, और डिक्लेयर कर रहा है बोनस, वन बोनस यूनिट फॉर फाइव राइट यूनिट हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2017 बोनस इश्यू किया है, और कितना, पांच के बदले में एक, पांच यूनिट के बदले में एक यूनिट बोनस के रूप में मिलेगा, कब, 30 सितंबर 2017। इसके अलावा सेकेंड बोनस और इश्यू हो रहा है कौन सी डेट में, 30 सितंबर 2019, सितंबर है सर, 9 आ जाएगा, 30 सितंबर 2019, 1:4, फिर से बोनस चार के बदले में एक, ठीक है। द फंड एज ऑन 31 मार्च 2021, ये आ गया 31 मार्च 2021, has generated an average yield, और yield दे रखा है 17.5%, average बोला है, पर एनम मान के चल रहा हूं 17.5%। देखा मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक has made an investment रुपीज 16 लाख, इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है, यहां इन्वेस्टमेंट किया गया है 16 लाख, ठीक है। In the plan before the declaration of first bonus and remain invested thereafter. It means first bonus जो है ना उससे पहले कितने का investment है, 16 लाख रुपए का मान के चल रहा हूं 1 अप्रैल 2016 को investment है। The following information और NAV दे रखा है, यहां का NAV दे रखा है 100 रुपए, यहां का NAV दे रखा है 92, यहां का NAV दे रखा है 85, और एनएवी वो यहां का पूछ रहा क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट द ओपनिंग एनएवी, ये मांग रहा है ओपनिंग एनएवी, विच इज रिक्वायर्ड बाय मिस्टर ऑप्टिमिस्ट टू कैलकुलेट द कैपिटल एप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, एनएवी मांग रहा है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, यस। कैलकुलेट कहां से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यील्ड 17.5%, मुझे काश यहाँ का वैल्यू पता लग जाए, यहाँ का कुछ नहीं देखा, यहाँ का यील्ड दे रखा 17.5%, तो क्या टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न पता लग सकता है कि यार ये यील्ड कितने कितने साल हो गए, 2016 में पैसा लगाया था 2021, मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, 5 साल का रिटर्न, तो इंटू 5 कर दो तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल जाएगा, यस, तो 17.5 into 5, तो उस हिसाब से कमाई कितने की हो रही है, 87.5% की कमाई है टोटल मिलाकर, ठीक है। मतलब जो 16 लाख है उसमें प्लस कर दीजिए और कितना, 87.5%, तो 16 लाख into 87.5%, तो 14 लाख रुपए और प्लस हो जाए, तो टोटल फंड की वैल्यू जो यहां आएगी ना, यहां लास्ट में वो आ गई 30 लाख रुपए। इसमें कोई शक नहीं, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जितना लगाया था उसमें 87.5% और ऐड हो गया, तो टोटल मिलाकर यहां कितना आ गया, 30 लाख, ठीक है जी, यस। तो यहां फंड की वैल्यू कितनी है, 30 लाख, और यहां एनएवी कितना है, 100, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स पता लग सकता है क्या, यस, 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां का तो निकल गया 30,000 यूनिट्स, ठीक, 30,000 यूनिट्स। अब ये एनएवी से मतलब नहीं, अब तो हम यहीं से बस, ये 30,000 यूनिट्स बताओ यहां जब बोनस इश्यू के बाद का है, मतलब यहां का यूनिट्स पता लगा सकते हो कि यस, क्या ये इंक्लूडिंग बोनस है, यस, तो एक्सक्लूडिंग बोनस निकल सकता है क्या, इसका मत, इसको रीड करके बताओ। देखो एक्स लगा के भी मैं कर सकता हूं, मैं एक्स लगा के नहीं करना चाहता, वो आपको आता है, मैं बैक कैलकुलेशन पे जा रहा हूं। एक्स लगा के कैसे कर सकते हो, एक्स लगा के ऐसे कर सकते हो कि मान लो टोटल मिलाकर यूनिट्स कितनी हो गई, 30,000, इस डेट में यूनिट्स कितना था, एक्स, और बोनस कितना, एक्स इंटू 1/4 या एक्स इंटू 0.25,
आप ऐसे भी कर सकते हो ना यार, 0.25x लिख सकता हूं मैं, तो x निकल जाएगा। पर मैं कॉमन सेंस लगाओ यार, 30,000 में क्या बोनस जुड़ा हुआ है? यस, तो इसका मतलब 30,000 ये दोनों मिलाकर है 5, तो मुझे चाहिए 4। 30,000 जो है वो 4 और 1 5, और मुझे चाहिए सिर्फ 4, तो आंसर आ जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर लो, करवाया हूं मैंने आपको, है ना, 30,000 divided by 5 into 4, तो यहां यूनिट्स कितना आ गया, 24,000। अब यहां 24,000 में क्या बोनस जुड़ा हुआ, मतलब ये टोटल मिलाकर कितना है 6, और मुझे चाहिए 5 बिफोर बोनस, 24,000 divided by 6 into 5, तो आ गया यहां कितना यूनिट आ गया, 20,000 यूनिट्स। सिंपल है, ये बैक कैलकुलेशन है, 16 लाख रुपए, 20,000 यूनिट्स, 16 लाख रुपए और 20,000 यूनिट, एनएवी आ गया यहाँ का कितना आ गया, एनएवी 80 रुपए, 80 रुपए है, ठीक है। ठीक है सर, यही बैक कैलकुलेशन उन्होंने किया है, जिनका दिल कर रहा है वो एक्स लगा के कर लेना। तो ये म्यूचुअल फंड का अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना चाहिए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप ना भी कर, मतलब अगर आप सीधा एग्जाम में भी आता तो बना लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये बोनस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा कहीं ना कहीं कवर्ड है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, यस, और एक म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है ये वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। सर ये बुक में कवर्ड है क्या? नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखे आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद सारे क्वेश्चन कवर्ड है बुक से, ये आखिरी क्वेश्चन पढ़े जी, एक बार तो पढ़ने का बनता है। The asset management company of the mutual fund has declared a dividend 9.9% on the units under the dividend reinvestment plan for the year ended 31st March 2021। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड का, मैं पक्का पक्का डायग्राम ही बनाता हूं, और मुझे ईयर एंड का दिया हुआ कितना, 9.9% डिविडेंड, डिविडेंड 9.98%, ठीक, कब की बात है, 31st March 2021। The investor are issued additional units for the dividend, और इसके बदले में ये जो डिविडेंड मिल रहा ना, इसको रीइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो किस पे होता होगा, एनएवी पर। बोले एडिशनल यूनिट्स इश्यू हो रही एनएवी, और कितना ये नहीं बताया, पर यहां बता दिया द क्लोजिंग एनएवी 24.95 ऑन 31st, यहां का 31st मार्च, तो यहां का एनएवी बताया 24.95, 24.95 यहां का एनएवी भी बता दिया उसने। अब यहां पढ़ना चाहिए, एन इन्वेस्टर मिस्टर एक्स हु इज हैविंग 20,800 यूनिट्स एट द ईयर एंड, ईयर एंड में उसके पास 20,800 यूनिट्स था ईयर एंड में। मतलब सर ये जो डिविडेंड मिला है वो क्या इसमें जुड़ा होगा? हाँ, ईयर एंड की यूनिट्स बता रहा हूं, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था इन द यूनिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले इन्वेस्टमेंट किया था, यहां कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, किस रेट पर? तो बोले जो ओपनिंग एनएवी है जो भी निकलेगा उसमें बोले एंट्री लोड 0.04 है, उस पर उसने इन्वेस्टमेंट किया। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आप सुनना ध्यान से, जो एनएवी है वो एप्रिशिएट हो गई है 25% ड्यूरिंग द ईयर। मतलब यहां जो एनएवी है उससे 25% कम यहां था, सर उससे 25% नहीं, यहां जो एनएवी है वो 25% बढ़ के ये हो गई है। तो ठीक है, इसको डिवाइड कर देते 1.25 से, आंसर तो एक ही है। इट मींस मैं ओपनिंग एनएवी तो आराम से निकाल सकता हूं, 24.95 डिवाइडेड बाय 1.25 इनटू, यहां जो एक्स इनटू 1.25 हुआ होगा ना, उसी को मैंने डिवाइड कर दिया। देख ले एक बार, 24.95 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ओपनिंग एनएवी तो आ गई भाई 19.96। ये लो सिंपल, फेस वैल्यू कितना बोले 10 रुपए, वैसे भी नहीं भी बोलता तो 10 रुपए एज्यूम कर ले, ओपनिंग एनएवी तो आ गई 19.96%।
19.96, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड, यहां कितना यूनिट्स खरीदा था? सर 20,800 यूनिट्स। नहीं, ये 20,800 यूनिट्स तो डिविडेंड जो आया ना, डिविडेंड उसको मिला के, उससे जो यूनिट्स खरीदा वो सब मिला के 20,800। मुझे ये देखना पड़ेगा डिविडेंड से पहले कितना यूनिट्स, एज्यूम क्या करेंगे x, ठीक है सर, तो करेंगे इसको, यस, डिविडेंड से पहले कितना यूनिट, टोटल मिलाकर कितना यूनिट्स हो गए डिविडेंड वगैरह मिलाकर 20,800। सर 20,800 यूनिट्स, ये कैसे आया? पहले का यूनिट्स कितना था x, प्लस x इंटू फेस वैल्यू 10 रुपए इंटू 9.98% डिविडेंड, ये डिविडेंड अमाउंट आ गया, और इससे और यूनिट्स खरीदा, कितने के हिसाब से यूनिट्स खरीदा होगा जरा देख लेते हैं। सर यहाँ खरीदा था 24.95 रुपए के हिसाब से, और यूनिट्स खरीदा 24.95 रुपए के। सर इसमें एंट्री लोड प्लस नहीं होगा? नहीं नहीं, इसमें ये नहीं बोला है, आप इसमें एंट्री लोड प्लस मत कर देना, यहां जो बोला है बस यही एंट्री लोड की बात है, ठीक है सर। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20,800 माइनस एक्स कर लो, ठीक है, 10 × 9.98% तो सर 0.998 आया ये, 0.998x डिवाइडेड बाय 24 रुपए 95 पैसे, मल्टीप्लाई कर दूँ 20,800 × 24 रुपए 95 पैसे, तो सर ये आ गया 518960 माइनस 24 रुपए 95 पैसे x, 0.998x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 518960 डिवाइडेड बाय 24.95 प्लस 0.998 तो ये आ गया 25.948, 518960 डिवाइडेड एमआरसी इक्वल टू, तो सर ये आ गया 20,000 यूनिट्स, सिंपल। तो पहला दूसरा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस आ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस का मतलब 20,000 यूनिट्स। और बताओ कितने में कितना पैसा लगाया था, तो 20,000 यूनिट्स खरीदने के लिए कितना लगा होगा, 19.96 में प्लस कर देना 0.05 और इसको मल्टीप्लाई किया कर देना 20,000 से, तो आंसर आ जाएगा, कहां गया आंसर, ये जोड़ा और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला भी, ठीक है, म्यूचुअल फंड के दो क्वेश्चन है, बैक कैलकुलेशन वाले, तो प्लीज आप देख लेना दोनों क्वेश्चन अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 4A, ये ऑलरेडी डिस्कशन है, चाहे रेगुलर क्लास चाहे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वाले अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 74 देख लेंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पेज नंबर 107, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है सर। इसके आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4B, ये भी कवर्ड है क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स है। कहाँ देखोगे, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स में, एग्जाम ओरिएंटेड में आपको मिल जाएगा कहाँ, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 80, कौन सा चैप्टर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें भी मुझे नहीं समझाना है कुछ भी। आगे चलो, यस सर, हाँ 5A, ये क्वेश्चन अच्छा, इसमें कुछ बात, इसको भी एक बार देख ही लेते, हालांकि कुछ स्पेशल नहीं है पर देखने में कोई दिक्कत नहीं। लिखा मिस्टर ए, मिस्टर एक्स इज हैविंग 1,00,000 शेयर्स ऑफ मैसर्स कानिका लिमिटेड, या कानिका लिमिटेड, ठीक, तो पैसा लगाया गया है ऑलरेडी, कहाँ लगाया गया है, कानिका लिमिटेड में पैसा लगाया है, किसने लगाया है, मिस्टर एक्स इसमें पैसा लगाया है, कितना 1,00,000 और इसका बीटा कितना है 1.40 बीटा दिया हुआ। मिस्टर वाई फाइनेंशियल एडवाइजर है सजेस्टेड फॉर द हैविंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, इसका मतलब
मिस्टर एक्स को समझाया जा रहा है कि आप एक ही कंपनी में क्यों पैसा लगाया हो जिसका 1.40 बीटा है, आप अलग अलग कंपनी में पैसा लगाइए जिस किसी का बीटा कम होगा किसी का बीटा ज्यादा होगा, ठीक है? तो पोर्टफोलियो बनाइए बोल रहा है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो का बीटा पक्का पक्का निकाला होगा इन्होंने, या पूछ सकता है, पर हम निकाल कर देख लेते हैं। पोर्टफोलियो का बीटा इन्होंने आंसर में निकाला है और वो निकाला है 1.01, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जिसका बीटा कितना 1.40, वो बोल एडवाइस किया जा रहा है कि आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कीजिए जिसका बीटा है 1.015, ठीक। मार्केट का रिटर्न है 12% और रिस्क फ्री है 8, तो टोटल मिलाकर कितना 4% रिस्क प्रीमियम हो गया, मार्केट रिस्क प्रीमियम मान क्या रहा है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन सीएमए पीएम, आराम से निकालेंगे, इक्वेशन हमको पता, फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इस बीटा के हिसाब से एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का आराम से हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ मांग रहा है तो सब वो बाद में, सबसे पहले आपको क्या निकालना है पोर्टफोलियो का रिटर्न। क्या कैलकुलेटर से ही काम हो सकता है आसानी से? यस, तो जल्दी जल्दी बताइए उसका रिटर्न कितना निकलेगा। सर रिस्क प्रीमियम है 4 × 1.40 प्लस 8, इसका रिटर्न आ गया 13.6%। इसका देख लेते हैं, इसका पक्का कम आएगा, बीटा कम है 1.015 × 4 + 8 और इसका रिटर्न आ गया 12.06%। अगर मार्केट में कोई चेंज नहीं है, बाद में बोल रहा कि मार्केट में चेंज होगा वो बात की बात है, अगर मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है तो इसका रिटर्न है 13.6 और इसका 12.06, वही इन्होंने किया होगा। ये निकाला है सर जी 13.6 और 12.06, मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बोला मार्केट अगर बढ़ जाता है 2.5%, मतलब सर ये जो 12% दिया है वो 2.5% से बढ़ जाता है तो क्या इस रिटर्न में चेंज आएगा? आएगा। तो सर क्या करें, 12 + 2.5, बेटे ये भी परसेंटेज है, ये भी कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिया था, 12 + 2.5% 12.3% है, गलत है भाई। 12% को बढ़ाना है 2.5% से तो कैसे बढ़ाओगे, ये भी परसेंट है ये भी परसेंट, तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 12 × 2 = 14.5%, तो इसमें चेंज हो जाएगा रिस्क प्रीमियम 14.5 - 8, तो सर 6.5% हो जाएगा रिस्क प्रीमियम। उसके हिसाब से चलो देखते हैं रिटर्न निकाल लेते हैं, वापस निकाल लेंगे। देखिए कितना आएगा 6.5 × 1.4 + 8, तो सर ये आ गया 17.1%, और इधर 6.5 × 1.015 + 8, तो ये आ गया 14.60%, वही निकाला होगा उन्होंने, इधर 17.1 × 14.60%, ठीक। मतलब सर ये टाइम पास था, टाइम पास नहीं, कुछ समझाना चाह रहा था क्वेश्चन, बोले अगर मार्केट बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा, अगर मार्केट गिरता तो ये तो कर लोगे, मतलब 12 से 2.5 माइनस कर दीजिए, 12 - 2.5 तो सर ये 9.5 आ जाएगा, रिस्क प्रीमियम माइनस 8, रिस्क प्रीमियम हो जाएगा 1.5, उसके हिसाब से रिटर्न निकाल, ठीक। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक का बीटा 1.4 और एक का बीटा 1.015, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, सॉरी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो रिस्क ज्यादा है, अगर आपको लग रहा कि मार्केट बढ़ने वाला है तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, कौन सा ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, ये बीटा ज्यादा। अगर आपको ऐसा लग रहा कि मार्केट गिरने वाला है तो ये भी गिरेगा ये भी गिरेगा, कौन सा ज्यादा स्पीड से गिरेगा, ये अगर मार्केट बढ़ने वाला है किसमें पैसा लगा रहने देना चाहिए, इसी में, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे, पर ऐसा लग रहा है मार्केट गिरने वाला है भाई साहब कम कम स्पीड से गिरे तो ज्यादा अच्छा है ना यार, तो इसमें पैसा लगा। तो वो ये पूछ रहा था, एक्चुअल में ये पूछना चाहता था, तो पॉइंट नंबर 1 तो ठीक है, पॉइंट नंबर 2 एडवाइस करना है मिस्टर एक्स को कि होल्ड करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने जो पोर्टफोलियो आपने बाय किया उसको करे कि नहीं करे, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का नेगेटिव रिटर्न आने वाला है, इट मीन्स वो कहना चाहता है मार्केट गिरने वाला,
अगर मार्केट गिरने वाला तो पोर्टफोलियो में लगाओ भाई, पोर्टफोलियो खरीदो। लेकिन क्वेश्चन में जो सजेस्टेड है ना, उन्होंने फिर वापस से सीएपीएम के हिसाब से रिटर्न निकाला है, और इस बार मार्केट का जो है रिटर्न उसको माइनस लिया, माइनस माइनस कितने से, नेगेटिव रिटर्न लिया, नेगेटिव। ये गलत लगा मुझे। इट मींस जब उन्होंने यहाँ कैलकुलेशन किया है पॉइंट नंबर, तो सिर्फ एडवाइस वैसे भी दिया जा सकता था, पर यहां उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वो मार्केट का माइनस लेके किया है पूरा की पूरा। ये चीज गलत है, आपको सीधा सीधा आंसर लिख देना चाहिए था। नेगेटिव रिटर्न वाली बात कहीं लिखी थी क्या, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। मार्केट गोज डाउन बाई 2.5%, बढ़ेगा 2.5, और तो कुछ लिखा नहीं था, तो वो तीसरा सॉल्यूशन क्यों किया है मेरे समझ में नहीं है। खैर सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसमें। आगे चले, डेरिवेटिव का इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एफआरई वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको आता, मैं जानता हूं अच्छे से। एग्जाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मर्जर का क्वेश्चन है, बुक का है, चाहे रेगुलर चाहे एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 17 मिल जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की बात करो, इसके अलावा सर ये क्वेश्चन डेरिविटी का क्वेश्चन है, डेल्टा हेजिंग का है, मिस्टर दयाल करके यहाँ मिस्टर डी लिखा, वहां मिस्टर दयाल लिखा है। तो डेरिवेटिव में एग्जाम ओरिएंटेड हो चाहे रेगुलर, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे एग्जाम ओरिएंटेड बुक में, पेज नंबर 43 में। दैट्स इट, और कुछ नया नहीं है। और जो एमटीपी फर्स्ट है उसमें तो